आज हम करेंगे ये दोनों फार्मूलाज प्रूफ। ठीक हो गया जी। ये है ए प्लस बी होल की पावर 4 इज इक्वल टू ए की 4 प्लस 4 ए क्यूब बी प्लस 6 ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 4 ए बी क्यूब प्लस बी की पावर 4। और इसी तरीके से ए माइनस बी होल की पावर 4 का फार्मूला है ए की 4 माइनस 4 ए क्यूब बी प्लस 6 ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 4 ए बी क्यूब प्लस बी की पावर 4। आज हम करेंगे ये दोनों फार्मूलाज प्रूफ। तो चले पहले ही फार्मूले से शुरू करते हैं। यह है ए की पावर 4 प्लस ए क्यूब बी प्लस 6 ए स्क्वायर बी स्क्वायर 4 ए बी क्यूब प्लस बी की पावर 4। ठीक है, ये है क्या हम लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड जैसे हम नॉर्मली ले लेते हैं। ठीक है, ए प्लस बी की पावर 4। अच्छा, इसको हम एक शॉर्टकट तरीके से करते हैं। हमारे पास दो तीन मेथड्स हैं। नंबर पहला मेथड क्या है, हम ये कर सकते हैं ए की ए बी ए प्लस बी बी पावर 4 है तो इसको 4 टाइम हम लिख सकते हैं। ठीक है, इन सबको आपस में मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, करके भी हम आंसर ले आ सकते हैं। या एक और मेथड है, जैसे ए प्लस बी की पावर 4 है तो हम ए प्लस बी की पावर होल स्क्वायर इंटू ए प्लस बी होल स्क्वायर ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, इसको दो दफ़ा ज़रब लगाओ या इसको दो दफ़ा ज़रब लगा के हम ऐसे भी कर सकते हैं। हम ये वाला मेथड करेंगे, ये ज़्यादा हमारे लिए आसान होगा। ठीक है, ए प्लस बी की पावर 4 को हम लिख सकते हैं ए प्लस बी होल स्क्वायर इंटू ए प्लस बी होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखें हमारे पास एक और फार्मूला है जो कि हमने प्रूफ किया हुआ है पिछली वीडियोस में, आप वो देख सकते हैं। ए प्लस बी होल स्क्वायर किसके बराबर होता है, ये होता है ए स्क्वायर प्लस 2 ए बी प्लस बी स्क्वायर के बराबर। ठीक है, ये होता है किसके बराबर, ए स्क्वायर प्लस 2 ए बी प्लस बी स्क्वायर के बराबर होता है। तो मैं ये लिख सकता हूँ, इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ ए स्क्वायर प्लस 2 ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसी तरीके से इसको भी मैं ये लिख सकता हूँ ए स्क्वायर प्लस 2 ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब इन दोनों को मैं क्या करूँगा, मल्टीप्लाई। ठीक है, इधर कर लेते हैं। पहले ए स्क्वायर सबसे मल्टीप्लाई होगा तो ये होगा ए स्क्वायर प्लस 2 ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसी तरीके से प्लस 2 ए बी मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो ये होगा 2 ए बी मल्टीप्लाई होगा ए स्क्वायर प्लस 2 ए बी प्लस बी स्क्वायर से। इसी तरीके से बी स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा ए स्क्वायर प्लस 2 ए बी प्लस बी स्क्वायर से। ठीक है, हमने क्या किया, ए स्क्वायर को पहले इस पूरी टर्म के साथ लिखा, फिर प्लस 2 ए बी इस पूरी टर्म के साथ लिखा, फिर बी स्क्वायर को हमने पूरी टर्म के साथ लिख दिया। ठीक है, अब फर्दर क्या करेंगे, अब ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो गया ए की पावर 4, ए स्क्वायर इससे सॉल्व होगा तो ये होगा 2 ए क्यूब बी। क्यों हो गया, ए के इधर ए के स्क्वायर इधर है। ठीक है, तो दोनों मिला के ए क्यूब बन गया, बी और 2 ए इट इज़ आ गया। फिर इसकी बात करते हैं तो ये ए स्क्वायर है और ये बी स्क्वायर है, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से हम इधर आते हैं तो ये क्या है, ए के इधर है ए के स्क्वायर इधर है, तो ये कम्बाइनली हो जाएगा ए क्यूब 2 ए क्यूब बी। ठीक है, इसी तरीके से ये भी 2 है ये भी 2 है तो ये बन के बन गया 2 2 ज़ा 4 ए ए ज़ा ए स्क्वायर और बी बी ज़ा बी स्क्वायर। ठीक है, और फिर फर्दर इसके साथ को सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2 ए बी क्यूब, क्योंकि 2 ए बी इधर है और बी स्क्वायर इधर है, कम्बाइनली क्या हो जाएगा 2 ए बी क्यूब। फर्दर इसको सॉल्व करते हैं, ये बी स्क्वायर है और ये ए स्क्वायर है तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर। फर्दर इसके साथ सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2 ए बी क्यूब। इसी तरीके इसके साथ सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा बी की पावर 4। अब देखते हैं कौन कौन सी चीज़ें हमारे पास एड या सब्ट्रैक्ट हो रही है। ठीक है, ए की पावर 4 सिंगल ही है तो हम सीधे सीधे ए की पावर 4 ऐसे लिख लेंगे। अब 2 ए क्यूब बी ढूंढते और कहाँ भी है, एक इधर भी है और कहीं है नहीं है, तो ये हो गया 4 ए क्यूब बी। ठीक हो गया, इसी तरीके से अब देखते हैं ए स्क्वायर बी स्क्वायर किधर है, एक ए स्क्वायर बी स्क्वायर इधर है, एक ए स्क्वायर बी स्क्वायर इधर है, ये दो और ये चार मिल के कितने हो गए 6 ए स्क्वायर बी स्क्वायर। इसी तरीके से अब क्या बचा, 2 ए बी क्यूब, देखते हैं एक 2 ए बी क्यूब इधर है एक इधर है, तो मिला के ये हो गया 4 ए बी क्यूब। अब बचा बी स्क्वायर, हमने लिख लिया बी 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 की पावर 4 सॉरी, तो ये हो गया राइट हैंड साइड के बराबर। ठीक है, तो हो गया हैंस प्रूफ कि भाई लेफ्ट हैंड साइड
राइट हैंड साइड के बराबर है। ठीक हो गया जी। अच्छा, इसी तरीके से हमारा जो दूसरा फार्मूला है ये वाला, ए माइनस बी होल की 4 इंटू ए की 4 माइनस 4 ए क्यूब बी प्लस 6 ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 4 ए बी क्यूब प्लस बी की पावर 4। ठीक है, अब हम इसको प्रूफ करेंगे। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आप लोगों को मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलते रहें। अच्छा, तो हमने करना ये वाला फार्मूला प्रूफ इसी तरीके से जैसे हमने पिछले फार्मूला में किया था। लेफ्ट हैंड साइड हम लेट करेंगे। ठीक है, ए माइनस बी होल की पावर 4। जैसे कि हमने पहले बताया कि इसको हम फर्दर दो तरीक़ों से कर सकते हैं। ठीक है, एक हम क्या करेंगे, ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी इंटू, इसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, ए माइनस बी। एक तरीका ये, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करें फिर इन दोनों को, इसी तरीके से हम कर सकते हैं। एक और मेथड है हमारे पास, वो है ए माइनस बी होल की पावर 4 है तो हम ए माइनस बी की पावर 2 इंटू ए माइनस बी की पावर 2 कर सकते हैं। ठीक है, हम इसी मेथड से करेंगे, ये ज़्यादा शॉर्टकट है क्योंकि हमने इसको प्रूफ भी किया हुआ पिछली वीडियोज़ में, तो ये आसानी से आप लोगों को समझ आ जाएगा। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, ए माइनस बी की पावर 2 इंटू ए माइनस बी की पावर 2। ठीक है, अब जैसे हमने पिछली वीडियोस में किया था, ए माइनस बी की पावर 2 किसके बराबर है, ये है ए स्क्वायर माइनस 2 ए बी प्लस बी स्क्वायर के बराबर है। ठीक है, तो ये हम इसी तरीके से क्या कर सकते हैं, हम लिख लेंगे ए माइनस बी होल स्क्वायर बराबर है ए स्क्वायर माइनस 2 ए बी प्लस बी स्क्वायर के बराबर है। तो ये दोबारा मैं लिख लेता हूँ, ए स्क्वायर माइनस 2 ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब सिंपली मल्टीप्लिकेशन का रूल, पहले ये इन सब से लिखेंगे, फिर इसको सबसे, फिर इसको सबसे। ठीक है, ए स्क्वायर लिख लिया, अंदर दूसरे टर्म में जो भी है वो सारा हम पहले एज इट इज़ लिख लेंगे। इसी तरीके से माइनस 2 ए बी है तो ये होगा ए स्क्वायर माइनस 2 ए बी प्लस बी स्क्वायर के, इसी तरीके से प्लस बी स्क्वायर है, ये होगा ए स्क्वायर माइनस 2 ए बी प्लस बी स्क्वायर के बराबर। हमने कुछ नहीं किया, सीधे सीधे हमने अभी वैल्यूज लिख ली हैं, ए स्क्वायर इस सबसे माइनस 2 ए बी इस सबसे, फिर प्लस बी स्क्वायर इस सबसे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन, पहले इस पूरी टर्म को सॉल्व करेंगे। ए स्क्वायर होगा तो ये होगा ए की पावर 4, बीच में माइनस, एज इट इज़ ये होगा 2 ए क्यूब बी, ए स्क्वायर इधर है, एक ए इधर है, तो बन के क्या हो गया, ए क्यूब बन गया। इसी तरीके से प्लस है, ये ए स्क्वायर और ये बी स्क्वायर दोनों डिफरेंट है तो आगे मिक्स नहीं होगी। सिंपल माइनस है, ये सॉल्व करेंगे तो माइनस 2 ए क्यूब बी। ठीक है, ये ए स्क्वायर और ये के है तो मिला के ए क्यूब बन गया, बी और 2 एज इट इज़। माइनस माइनस प्लस दोनों सेम है तो 2 2 जो 4, ए ए का ए स्क्वायर, बी बी का बी स्क्वायर। ठीक है, प्लस माइनस माइनस 2 ए बी क्यूब, 2 एज इट इज़ बी और बी सॉल्व होके बी क्यूब बन गया। इसी तरीके से इधर आते हैं, बी स्क्वायर और ए स्क्वायर सॉल्व करेंगे तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर बन जाएगा, अरेंज करके लिखा, प्लस माइनस माइनस 2 ए बी क्यूब बन जाएगा, ये प्लस माइनस माइनस और ये प्लस प्लस प्लस, बी स्क्वायर बी स्क्वायर बी की पावर 4 बन जाता है। ठीक है, अब ए की पावर 4 एज इट इज़ लिख लिया। आप देखते हैं इससे रिलेटेड कोई और है, माइनस 2 ए स्क्वायर ए क्यूब बी, एक इधर भी है, दोनों मिलाएंगे तो दोनों माइनस है, माइनस 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 ही लिखेंगे और दोनों एक्चुअली होंगे एड। ठीक है, इसी तरीके से इसको ढूंढते हैं, ए स्क्वायर बी स्क्वायर एक इधर है, एक इधर है और एक इधर है, तीनों प्लस हो रहे हैं, 4 5 और 6। ठीक हो गया, इसी तरीके से इसको देखते हैं, ये दो माइनस 2 2 से 4 ए बी क्यूब, इसी तरीके से ये हो गया राइट हैंड साइड के बराबर। तो ये हो गया हमारे पास फार्मूला प्रूफ, ए माइनस बी होल की पावर 4 इज इक्वल टू ए की 4 माइनस 4 ए क्यूब बी प्लस 6 ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 4 ए बी क्यूब प्लस बी की पावर 4। ठीक हो गया जी, तो ये हो गया प्रूफ हमारा फार्मूला।